ओके सो वेलकम बैक अगेन सो दिस इज डे फाइव आई गेस एंड थोड़ा लेट हो गया आज बट हाँ लेट्स डायरेक्टली गेट टू द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज लॉन्गेस्ट कॉमन सब पाथ सो आई एल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम वन बहुत सिंपल है लाइक दीज आर सम फ्रेंड्स और ये उनका एक सिटी के अराउंड पाथ है सो दे गो फ्रॉम जीरो टू वन टू टू थ्री थ्री टू फोर टू टू थ्री फोर मतलब ये पाथ सही है और इसमें एक ही कंसेंट है कि एक सिटी कभी भी दो बार नहीं आएगा सो इट कैन बी टू थ्री फोर टू थ्री फोर लाइक वो टू से थ्री गया थ्री से फोर गया फोर से वापस टू आया टू से थ्री गया ऐसे कुछ भी पाथ्स अलाउड है जस्ट दैट यहाँ लिखा है द सेम द सेम सिटी इज़ नॉट लिस्टेड मल्टीपल टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली इन पाथ आई सेम सिटी मल्टीपल टाइम्स उनके पाथ में आ सकता है अगर मैं ये जल्दी समझा रहा हूँ तो एक बार ये प्रॉब्लम जाके पढ़ लेना एंड देन जब उनके पार्थ्स तो मैं गिवन होंगे यू हैव टू लाइक यू एक्चुअली हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम कॉमन सब पाथ जैसे इसमें टू कामर थ्री सब पाथ में आ रहा था दैट इज़ दी लॉन्गेस्ट कॉमन सब पाथ देट्स uh, इट उतना ही है और अगर हम कंस्टेंट्स देखें तो एक इंपॉर्टेंट कंस्टेंट जो तुम्हें ध्यान रखना है जो तुम्हें टाइम कोम्पलेक्सिटी मैनेज कर लाइक तुम्हें सोल्यूशन सोचने में भी हेल्प करेगा इस दिस वन कि जो टोटल सम ऑफ पाँच साइड डॉट लेंग है लाइक सब का ये जो समेसन है दैट वुड भी लेस देन टेन रेज टू फाइव बाकी सब तो टेन रेज टू फाइव ही है स्टैंडर्ड बट इस, इसका जो सम है दैट वुड भी लेस देन मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना इनका टोटल सम वुड भी लेस देन मतलब लेंथ का सम जैसे ये एक अरे है ये दूसरा अरे है इतने ऐसे जितने भी अरे है सबका जो सम है दैट वुड बी लेस देन टेन डेज टू फाइव सो Uh, मैं तुम लाइक like, अभी मैं धीरे धीरे हिंट बताऊंगा लाइक like, इस पहले ये क्यों सोचा ये क्यों सोचा ब्ला ब्ला सो so, जब भी तुम्हें ऐसा लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वगैरह चीज़ें आती है ना तो पहले जो मैंने अभी अभी डे वन में बताया था एक तो यू कैन थिंक ऑफ बी एफ एस बट जब वो रहता है कि तुम्हें यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह ढूंढना है तब यू थिंक अबाउट बी एफ एस अदरवाइज और जो चीज़ें हैं लॉन्गेस्ट शॉर्टेज जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं द फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक अबाउट इज़ बाइनरी सर्च तो अभी जब तुम्हें लॉन्गेस्ट कॉमन सप्पात बोला है तुम सोचो कि क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या थोड़ा सा भी कम होता है इफ माई क्वेश्चन बिकम्स गिवन दिस डेटा डज देर एग्जिस्ट अ सपपाथ ऑफ लेंथ सपोज टू जो लाइक लाइक डज देर एग्जिस्ट अ कॉमन सप्पात ऑफ लेंथ टू दैट इज यर क्वेश्चन नाउ सो क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि तुम्हारे पास एक और मेट्रिक आ गया यू हैव समथिंग टू कंपेयर विथ सो बाइनरी सर्च से हम वो कैसे सॉल्व करेंगे लाइक बाइनरी सर्च का ऑब्वियस इसमें हेल्प कैसे होगा इफ़ देर इज़ अ कॉमन सबपाथ ऑफ लेंथ थ्री देर ऑब्वियसली एग्जिस्ट अ कॉमन सबपाथ ऑफ लेंथ टू और जब भी कुछ ऐसा कंस्टेंट आता है यू हैव टू थिंक अबाउट बाइनर रिसर्च क्योंकि अगर फोर का लाइक like, अगर फोर का सब पाथ एग्जिट कर रहा है तो थ्री थ्री टू वन जीरो सब का एक्जिस्ट कर रहा है तो जब भी ऐसा एक रिलेशन मिलता है मेरा बाइनरी रिसर्च का एक वीडियो भी है दैट ऑल्सो यू कैन वॉच वन्स बट अगर ऐसा कुछ तो मैं सीरीज़ मिलता है दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट बाइनर रिसर्च ठीक है ओके मूविंग ऑन एक और जो चीज़ हम यूज़ लाइक यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग हैश सो रीड अबाउट थ्री थिंग्स कि बाइनरी सर्च यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लाइक बाइनरी सर्च तो आता ही होगा सेकेंड इज रोलिंग हैश एंड रोलिंग हैश इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन पॉलीनॉमियल हैश तो उसका फंक्शन वंक्शन कैसा है एक बार वो पढ़ लेना हम थोड़े कॉन्स्टेंट uh, यूज़ करेंगे विच इज़ दिस पी एंड एम एम इतना बड़ा क्यू लिया है क्या होता है रोलिंग हैश मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सेल गिव यू अ ब्रीफ बट अभी रोलिंग हैश यहाँ पे क्यों आया लाइक वाई डी डाइट थिंक अबाउट रोलिंग हैश इज़ बिकॉज यहाँ पे तुम्हें जब एक पाथ बोला है कंपेयर करने कैन यू गेट दिस होल पाथ इंटू अ सिंगल नंबर कैन यू हैश दिस सो रोलिंग हैश जो एक्चुअल एल्गोरिदम है वो एक्चुअल यूज़ होता है कंप्रेस वगैरह करने में सो कैन यू गेट दिस होल डेटा लाइक अगर मैं सपोज तुमको बोलूँ कि कन्वर्ट दिस थिंग इंटू सब पाथ इंटू सब स्ट्रिंग्स ऑफ सॉरी ठीक है सब स्ट्रेंग ये बोलो कि ऑफ सब अरे ऑफ लेंथ टू सो ये एक टोटल इसका फिर लाइक like फिर कितने सबर एज मतलब जीरो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर और मेरे पास टोटल ऐसे चार हैश वैल्यूज रहनी चाहिए फर्स्ट हैश वैल्यू वुड रिप्रेजेंट जीरो वन देन वन टू देन टू थ्री देन थ्री फोर तो जब मैं इसको एज अ पाथ में स्टोर लाइक तो मैं ठीक है धीरे धीरे मैं एक बार जब तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा तब अच्छे से समझेगा वाई आई यूज रोलिंग हैश सो रोलिंग हैश बेसिकली एक प्रॉपर सबरे का एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है देर कैन भी हैश कोलीजन्स हैश कोलिजन्स क्या होता है जब तुम्हारे दो सबरेज का वैल्यू सेम हो सकता है दैट वोंट हैपन यर बिकॉज दट की लाइक इफ़ यू गो एंड रीड अबाउट हैश कोलीजन लाइक जी एफ जी का भी लिंक है सी पी एल गोरिदम्स का भी लिंक है दैट टाइम यू लाइक वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दैट टाइम यूल रियलाइज़ की द हैश कोलिशन का प्रॉबेबिलिटी एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन बाई एम दैट्स वाई यूजअली पीपल टेक एम इज लाइक वन ई नाइन प्लस सेवन मैंने तो शायद वन ई टेन के आसपास ले लिया अभी मैंने लाइक like, अभी अगर इफ आई डायरेक्टली शो यू द कोड तो मैं थोड़ा सा बेटर समझेगा तो ये तो एक्चुअल प्रॉब्लम ठीक है सो बाइनरी सर्च में भी तुम्हें ऑब्वियसली दो एल और आर चाहिए होता है सॉरी सो लेफ्ट वन आर इज दी मैक्सलैंड बेसिकली मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल जैसे इसमें फाइव है इसमें लेंथ थ्री है इसमें लेंथ फाइव है एक्चुअली पॉसिबल तो हमारा थ्री का ही हो सकता है राइट सो बेसिकली मैं ये मैक्सलैंड फंक्शन इफ यू सी मैं मिनिमम सबका मिनिमम जो साइज है वो लेकर आ रहा हूँ वंस यू हैव दैट यू इनिशलाइज और आंसर स्टैंडर्ड बा सर्च अप्रोच ये बाइनरी सर्च मै मै लाइक आई ऑलवेज कीप दिस एज माई बाइनरी सर्च का स्टैंडर्ड एक बार वो वीडियो भी तुम देख लेना ठीक है नाउ अभी ये वाइल आ गया वही सिंपली मैं चेक कर रहा हूँ अगर मेरा इस मिड के लिए पॉसिबल है वॉट इज दैट मिड द लॉन्ग द कॉमन सप्पाथ का लेंग दैट आई एम अज्यूमिंग ठीक है अगर मेरा मिड के लिए पॉसिबल है तो आई विल ट्राई हायर वैल्यूज अदरवाइज मैं अपने राइट uh, बाउंड right है उसको छोटा कर दूंगा अभी पॉसिबल वाला फंक्शन विल सी सो पॉसिबल में मैं क्या कर रहा हूँ मैं Uh, हर पाथ में ट्रेड कर रहा हूँ लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पाथ उठा लिया ठीक है मैं इसको एक बार तुम्हें अभी अपने शीट में भी समझा दूँगा फिर मैं इसका हैश वैल्यूज़ लेके आ रहा हूँ गेट हैश वैल्यूज़ ऑफ़ दिस करेंट पाथ और ये मिड को ना अभी के लिए विंडो साइज़ समझो तुम्हें बेटर समझेगा एंड फॉर दिस पर्टिकुलर विंडो तो मैं एक्चुअल में तुम्हें कैसा रिटर्न दूंगा सपोज तुम्हारे पास ये वाला अरे वन टू थ्री फोर फाइव मैंने उसे सेट ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सर्च वर्च करना था बट इसका बेटर यू कैन ऑप्टिमाइज एज़ यू वॉन्ट नाउ अभी सपोज मैंने अपना विंडो साइज़ यहाँ पे बोला है माई विंडो साइज इज सपोज थ्री और सपोज़ यहाँ पे मेरा एक हैश फंक्शन है ठीक है मैंने हैश फंक्शन तो मैं अपना दिखा दूंगा लाइक मैं ऊपर तो मैं दिखा दूंगा ये एक अरे लेता है और उसके हैश का वैल्यू देता है एक एक सिंगल वैल्यू दिस हैश फंक्शन इज रिटर्न अबव बट तुम्हें क्या चलाना है तुम्हें चलाना है रोलिंग हैश तो रोलिंग हैश कैसे चलाएंगे अपन जीरो वन टू का एक हैश वैल्यू होगा लज्जे से फाइव वन टू थ्री का भी एक हैश वैल्यू होगा दिस इज एक्चुअली कॉल रोलिंग हैश कि जीरो वन टू का हैश था फिर तुम वन टू थ्री में कैसे गए वो रोलिंग हैश का कॉन्सेप्ट है फिर वन टू थ्री का ले लो हैश फंक्शन उसका मतलब हैश को मैं ये वन टू थ्री बोलूंगा और मैं बोलूंगा कि मेरे को इसका वो दे क्या बोलते हैं हैश वैल्यू सो इट विल गिव मी सेवन देन फॉर टू थ्री फोर आई विल गेट माई वैल्यू एज ले कुछ भी रैंडम ले लो वन and then for थ्री फोर फाइव एल गेट एज एट सॉरी दैन फॉर थ्री फोर फाइव गेट एज एट तो इसका हैश इक्वलेंट हो गया for window size three it would be five seven one eight. और ये सब तीन तीन के सब बड़े रिप्रेजेंट करते हैं ये इनिशियल थ्री देनी दूसरा थ्री ये तीसरा थ्री ठीक है जैसे जीरो वन टू इज़ फाइव वन टू थ्री इज़ सेवन टू थ्री फोर इज़ वन एंड थ्री फोर फाइव इज़ एट तो ऐसा मुझे यहाँ पे मिलेगा ये जो सेट है और मैंने लॉन्ग लॉन्ग रखा है ऑब्वियस रीजन्स ठीक है तो मुझे हैश वैल्यूज़ मिल गया फिर ये तुम्हें जानने का नीड नहीं है सो तो अभी ठीक है हैश वाला पार्ट हम बाद में समझेंगे लाइक दैट यू कैन स्किप स्किपऑल इफ़ यू वांट लाइक ये फंक्शन मैं तुम्हें तो अगर तो नहीं भी दिखाऊं चलेगा तो मैं रोलिंग हैश पढ़ के एक बार देख लेना कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करें लाइक लाइक रोलिंग हैश इज़ अ कॉन्सेप्ट यू शुड लर्न तब भी एल एक्सप्लेन वंस फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना सपोज़ अभी मेरे पास ऐसे दो अरे ठीक है अभी हम ये ले लेते हैं इस आ, यहाँ पे आ जाते हैं वापस तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर दिस वाज माय फर्स्ट अरे एंड सेकेंड वन वाज टू थ्री फोर ठीक है तो सपोज़ मैंने इस पर भी विंडो साइज़ का टू लगाया इस पर भी विंडो साइज़ टू लगाया ठीक है इस पर विंडो साइज़ टू लगाते तो सपोज ले लो ज़ीरो वन का वैल्यू मेरे पास आ गया आ, वन वन टू का वैल्यू मेरे पास आ गया ये हैश वैल्यूज़ है ठीक है पॉलीनॉमियल हैश फंक्शन इनका मेरे पास आ गया थ्री टू थ्री का मेरे पास हैश फंक्शन आ गया फाइव एंड थ्री फोर का मेरे पास आ गया ले लो जैसे टू सिमिलरली यहाँ पे टू थ्री का क्या आएगा जो पॉलीनॉमियल हैश फंक्शन है ना वो एक सब बरे के लिए वैल्यू सेम ही देता है तो जब अगर ऊपर में उसने फाइव दिया था ज़ीरो वन हाँ फाइव दिया था तो यहाँ पर भी टू थ्री का फाइव ही होगा देन थ्री फोर का ले लो वापस यहाँ ऊपर भी थ्री फोर का हमने टू डाला था ना तो यहाँ भी टू ऐसा कुछ दिखेगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो टू थ्री का यहाँ पे फाइव है थ्री फोर का यहाँ पे टू है ऊपर भी टू थ्री का वैल्यू फाइव है थ्री फोर का वैल्यू टू है मैं क्या करूँगा मैं इन दोनों में से ना यूनिक वाले कॉमन कर दूंगा विच वुड बी फाइव एंड टू और ये मैं कहाँ कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिक हैश एग्जिस्टिंग हैश अगर मेरा ये फर्स्ट बार इनिट हो रहा है तो एग्जिस्टिंग हैश ही रहेगा मेरा वहाँ पे। अदरवाइज़ मैं जो मेरे पास एग्जिस्टिंग हैश वैल्यूज थे हैश वैल्यूज़ थे और जो न्यू हैश वैल्यूज़ आया मैं, मैं उनका यूनिक इंटरसेक्शन निकालूंगा और अगर लास्ट में मेरे पास एग्जिस्टिंग हैश का साइज ग्रेटर देन जीरो दैन आई एल बी रिटर्निंग ट्रू तो इतना पार्ट तुम्हें तो समझ जाना चाहिए विद दिस पर्टिकुलर थिंग एज ब्लैक बॉक्स ठीक है हैश वैल्यूज़ मैंने सपोज़ रोलिंग है अभी ये हैश वैल्यूज़ जो है दिस इज़ जहाँ पे मैं रोलिंग हैश करता हूँ और ये मेरा यूनिक हैश का है सिंपल इसलिए मैंने सेट लिया था लाइक like, इसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन यू कैन डू मेरा थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लिया था लाइक ट्वेल्व हाँ ट्वेल्व फिफ्टी नाइन मिली सेकेंडस तो यहाँ क्योंकि रन टाइम में भी हो सकता था बट मेरे को थोड़ा समझाने के लिए ईजी पड़ता दैट्स सॉ मैंने इसको सेपरेटली रखा तो दिस इज़ दी यूनिक हैश एक बार निकल गया ठीक है नाउ लेट्स कम टू गेट हैश वैल्यूज दिस इज जहाँ पे हमारा रोलिंग हैश हो रहा है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना डेट्स वाई एम सजेस्टिंग तुम जी एफ जी वगैरह पढ़ो बट स्टिल मैं इसमें घुस के तो नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया है लाइक like ये सब तुम्हें एक बार मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ आ जाएगा बट मैं बता देता हूँ हाउ यू रन लाइक हाउ यू डू एक्चुअली द रोलिंग हैश वाला थिंग ठीक है रोलिंग हैश ना तो सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास है टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इतने पार्ट का सपोज विंडो साइज़ थ्री था ठीक है नहीं मैं ज़्यादा बड़ा विंडो साइज़ लेता हूँ ताकि एक बार में समझ जाऊँ फाइव तुमने दो चीज़ सेट की थी लेस से और पी ठीक है मैं पी ले रहा हूँ और एम ले रहा हूँ सो वॉट विल बी डूइंग इज़ फाइव इंटू फाइव इंटू पी रेस टू ज़ीरो प्लस फोर इंटू पी रेस टू वन प्लस थ्री इंटू पी रेस टू लाइक पी स्क्वायर प्लस टू इंटू पी क्यूब दिस इज़ योर हैश वैल्यू मॉड एम और ऑब्वियसली तुम्हें अंदर भी सबका मॉडर्न मॉडर्न वगैरह करना पड़ेगा मतलब वही हम मॉड्यूल हो जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं दिस इज योर हैश वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग अभी इसको रोल कैसे करें नाउ आई नीड द हैश वैल्यू ऑफ दिस वन थ्री फोर फाइव सिक्स हाउ डू आई रोल दिस तो इफ़ यू सी मैंने पीछे से चीज़ें कैलकुलेट की फाइव इंटू पी जीरो फोर इंटू पी वन थ्री इंटू पी स्क्वायर टू इंटू पी क्यूब और मैंने अपना एक पॉइंटर यहाँ रखा था दूसरा पॉइंटर यहाँ रखा था सो दैट आई कैन ईजीली रोल अभी जब मेरा ईजीली रोल करने का टाइम आ रहा है मेरे को ये थ्री का वैल्यू ईजीली पता था दिस थ्री का वैल्यू इज सिंपली एक्चुअली इक्वल टू तुम्हारा जो विंडो साइज़ है इस केस में फोर यहाँ जो एंड होगा पी का वैल्यू दैट वुड बी इक्वल टू विंडो माइनस वन करेक्ट राइट right? क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा यहाँ पे वन यहाँ पे टू यहाँ पे थ्री सो इफ यू सी टू इंटू पी क्यू तो तुम्हें हमेशा जब इसको स्लाइड करना है व्हाट यू विल बी डूइंग इज तुम अपने इस वैल्यू से माइनस करोगे तो मैं इस तुम तुम्हें इस आर पॉइंटर का वो लाइक एल पॉइंटर का होल्ड है राइट सो सपोज ये ये ए आर आर था सो ए आर आर ऑफ़ द एलेथ एलिमेंट इंटू पी रेज टू विंडो माइनस वन यू विल सब्ट्रैक्ट दैट तो तुम्हारा ये वाला पार्ट इरेज हो जाएगा ठीक है वॉट यू विल एड द न्यू एलिमेंट यू विल एड द न्यू एलिमेंट सिक्स इन और बस तुम सिक्स ऐड करोगे सो एक्चुअली तुम सिक्स इंटू पी इरेज टू ज़ीरो ऐड कर रहे हो बट सॉरी 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 यू विल डू दिस देन यू विल मल्टीप्लाई दिस होल अरे बाय पी एंड देन यू विल एड अ प्लस सिक्स अभी ये ऑपरेशन हम करके देखते क्या होगा तो ये फर्स्ट ऑपरेशन करने के बाद ये वाली चीज़ इरेज हो जाएगी टू इंटू पी क्यूब सो यू विल गेट दिस फाइव इंटू पी ज़ीरो प्लस फोर इंटू पी वन प्लस थ्री इंटू पी स्क्वेर सबको मल्टीप्लाई बाय वन करो लाइक लाइक मल्टीप्लाइड बाय पी सो यू विल बी गेटिंग फाइव इंटू पी रेस टू वन प्लस फोर इंटू पी स्क्वेर प्लस थ्री इंटू पी क्यूब वन सेकेंड ठीक है अभी तुमने यहाँ पे फिर हाँ ठीक है यहाँ तक सही है अभी तुमने लास्ट में क्या ऐड किया सिक्स इंटू पी रेस टू जीरो विच इज़ बेसिकली सिक्स तो अगर तुम ध्यान से देखो ये जो नया बना हमारे पास इज इन दिस इक्वल टू इसका हैश जो हम बनाते हैं थ्री फोर लाइक थ्री फोर फाइव सिक्स का इसका हैश भी हम क्या बनाते हैं सिक्स इंटू पी जीरो प्लस फाइव इंटू पी वन प्लस फोर इंटू पी प्लस थ्री इंटू पी क्यूब यही इसका हैश होता राइट right? और मॉड एम वगैरह हाँ तो मॉड एम तो हर ऑपरेशन के बाद करना ही है सब के बाद भी तुम्हें प्लस एम करना है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड तो वही क्या मैंने भी सो so फर्स्ट मैंने वो लास्ट एलिमेंट हटाया मुझे पता है सब शिफ्ट हो रहा है तो इनिशियली जि, लाइक जितना पावर था बाकियों के पास वो एक से बढ़ जाएगा सो सबको पी से मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड योर सिक्स सिंपली क्योंकि उसमें वैसे भी सिक्स इन टू पी रेस टू जीरो आने वाला है सिंपल ये रोलिंग हैश है एंड ये यू कैन ये जैसे पहले मैंने फर्स्ट विंडो का निकाला इफ़ यू सी देखो मैंने भी पीछे से स्टार्ट किया करना एंड एज यू गो हैड की सब ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग स्टैंडर्ड थ्री स्टेप्स और विंडो हैश में डालते रहो फिर उसके बाद तो तुम्हें तो पता ही है सबके हैश वैल्यूज़ अगर यूनिक 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 करते रहो लास्ट में अगर वैल्यू बच गया देन रिटर्न ऑफ फॉल्स दैट्स इट इतना ही है लाइक बाइनरी सर्च रोलिंग हैश एंड देन गेट द यूनिक अगर तुम्हारे पास तब भी डेटा इसमें हैश कोलिजन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है लाइक like मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा जो इसके लिए पढ़ना है हाँ दैट्स इट कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना बाय बाय